रोज डे, पिंक डे, वो डे, ये डे और वैलेंटाइन डे। और ये सब जब दिन सेलिब्रेट होते हैं तब कुछ अच्छी चर्चा भी होते हैं और कुछ बुरी चर्चा भी होते हैं। मेरा कहना है कि आप कोई भी दिन सेलिब्रेट कर लो, सिर्फ इसका मकसद क्या होना चाहिए और उससे आप क्या सीख सकते हो ये अगर जान ले तो अच्छी बात है। क्योंकि ये सब दिन हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि कोई एक दिन हो जिस दिन हम प्यार का इजहार कर सकते हैं या प्यार को सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन आज जो मैं जो बताने वाला हूँ वो प्यार से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा हटके है, जिसका इस्तेमाल आप बिजनेस करते वक्त मनी को अट्रैक्ट करने के लिए या कुछ भी मुश्किल से मुश्किल काम का आसान करने के लिए यूज कर सकते हो। तो चलो देखते हैं। दुनिया में रोज डे सेलिब्रेट होता है, वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट होता है, अलग अलग डेज सेलिब्रेट होते हैं और उसका कारण है एक दिन हम कुछ न कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत कुछ होता रहता है, एक दिन हम ढूंढते हैं कि चलो इस दिन कुछ तो अच्छा करें। हम अलग अलग डेज सेलिब्रेट करते हैं, उसका हर एक का कुछ एक महत्व रहता है। वैसे ही प्यार के भी हम डेज सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी इसका संबंध प्यार से है लेकिन आपको मालूम है कि प्यार अपने जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है। पूरे दुनिया में प्यार ये शब्द मालूम नहीं है या लव शब्द मालूम नहीं, ऐसा कोई आदमी नहीं है। हर एक को लगता है कि कोई हमें प्यार करे, भले दोस्त है या कोई महबूबा है या बीबी है। लेकिन जिस दिन हमें इस प्यार का साइंस समझ में आएगा, इस प्यार के वाइब्रेशंस का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं वो समझ में आएगा, तब हम ये सब दिन अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं, कुछ अलग वे से, कुछ अलग ढंग से। तो प्यार या एक दूसरे में खिलता हुआ वो अट्रैक्शन, वो आकर्षण, उसमें कुछ तो एक अटैचमेंट रहती है और धीरे धीरे दो लोग इकट्ठा हो जाते हैं। शायद ये प्यार दोस्तों में भी हो सकता है, एक ही विचार वाले दो लोग इकट्ठा आते हैं, शायद वो दोस्त हैं और एक दूसरे के बिना वो रह नहीं सकते। हर एक शाम को जब तक वो नहीं मिलता तब तक हमारा दिन अच्छा नहीं जाता, हमारा दिन अधूरा रहता है। वैसे ही एक महबूबा जब मिलती है तब उसका दिन कंप्लीट हो जाता है। और वैसा ही प्यार बच्चों में भी होता है, जब तक माँ अपने बच्चों को नहीं मिलती तब तक उसका दिन अच्छा नहीं जाता, उसका प्यार कंप्लीट नहीं होता। और ये सब चीज़ों में कुछ तो एक साइंस छिपा है। जब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसे अनकंडीशनल लव बोलते हैं, जिसमें कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती, उस वक्त कुछ केमिकल का सेक्रेशंस होता है, डोपामाइन सेक्रेट होता है। जब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से प्यार होता है, भले वो मेल फीमेल हो या पैदा होते ही बच्चे के साथ माँ का प्यार या दो दोस्तों का एक दूसरे के साथ प्यार, जिसमें एक दूसरे के लिए जान न्यौछावर करने की भी बात आए तो भी वो आदमी सोचता नहीं है या औरत सोचती नहीं है, वो प्यार ऐसा क्या है जिसकी वजह से एक दूसरे के बिना वो जी नहीं सकते? ऐसी क्या होता है कि ये सब डेयरिंग आ जाती है उन दोनों में? उसमें होता है केमिकल सेक्रेशन। वो केमिकल सेक्रेशन और एडिक्टेड लोगों के ब्रेन में हुआ हुआ सेक्रेशन, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप बोलेंगे ये पागलपन है, यही सच है कि अंदर अपने ब्रेन के अंदर यही केमिकल सेक्रेट होता है और उसकी वजह से हमें वो अच्छा लगता है और हमें वो बार बार चाहिए रहता है, हम उसकी तरफ और खींचते रहते हैं। तो सोच लो एक लड़का किसी लड़की से प्यार करता है तो क्या क्या होता है। उस लड़के की नींद खराब हो जाती है, उसको चैन नहीं पड़ता, वो सोचता रहता है सिर्फ उसी के बारे में, वो लड़की सोचते रहती है कि कब उसे मिलूं, कब उसके साथ कुछ दो चार बातें करूं, गले मिलूं। ये सब चीज़ें क्या है? ये है केमिकल रिएक्शंस ब्रेन में हुई हुई। आप बोलेंगे इतना डीप में जाने की ज़रूरत क्या है? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसका फ़ायदा आप कर सकते हो, क्योंकि लव एक ऐसा वाइब्रेशन है जिस वाइब्रेशन में आप मुश्किल से मुश्किल काम कर सकते हो, ऐसी कोई भी चैलेंजेस आप कंप्लीट कर सकते हो, फुलफिल कर सकते हो जो नॉर्मल स्टेट में नहीं कर सकते। इसलिए बहुत लोग बोलते हैं कि जब आप उस वाइब्रेशंस में रहते हो तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट काम कर लो। अभी इसका आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? जैसे कि अगर आप किसी के प्यार में हो या कोई दोस्त आपको बहुत अच्छा लगता हो या तो दुनिया में कोई नहीं है, फिर भी आप गॉड के साथ वही रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हो। मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि जब आप उस स्टेट ऑफ वाइब्रेशंस में जाओगे तब वो केमिकल सेक्रेट हो जाएंगे और उस वक्त आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको ऐसे लगेगा कि आपको उसी स्टेट में रहना है और उसी स्टेट में आप चैलेंजेस ले सकते हो, उसी स्टेट में आप अच्छी तरह से क्रिएटिव थिंकिंग कर सकते हो, उसी स्टेट में आपको जो विजुअलाइजेशन करना है वो कर सकते हो, आपको पता लगेगा कि वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है,
क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट स्टेट है माइंड की। तो सबसे सिंपलेस्ट या प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव है गॉड के साथ, जो आप मेडिटेशन में कर सकते हो, आप गॉड के साथ बातें कर सकते हो, वो रिलेशनशिप के वाइब्रेशंस डेवलप कर सकते हो, और उस वक्त आप क्रिएटिव थिंकिंग कर लो, उस वक्त आप विजुलाइज कर लो जो आपकी गोल्स है वो, और देख लो एक मिरेकल हो जाएगा, वो सब चीजें आप अट्रैक्ट कर सकते हो। मैंने लास्ट टाइम की वीडियोस में बताया था मनी वॉलेट के लिए कि कैसे आप मनी को अट्रैक्ट कर सकते हो, उसी तरह अगर आप उस लव के वाइब्रेशंस में रहोगे तो हर एक चीज अट्रैक्ट कर सकते हो, कुछ भी चीज आप उस स्टेट में अट्रैक्ट कर सकते हो। इतना ही है कि वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव होना चाहिए, जिसमें आप दिल से किसी को प्यार कर रहे हो, आपकी देने की क्षमता होनी चाहिए, आप किसी को कुछ दे रहे हो, प्यार दे रहे हो एकदम अंदर से। वो चीज जब रहेगी तो आपको वो महसूस होगा कि आप आराम से हर एक चीज अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। मैं वापस बोल रहा हूं, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव है मेडिटेशन में गॉड के साथ लव करना। उस वक्त आपको कोई कंडीशंस नहीं रहेगी, बस इतना ही है कि वो वाइब्रेशंस आप फील करो, गॉड के साथ वो लव के वाइब्रेशंस आ रहे हैं, जैसे कि आप फाउंटेन ऑफ लव में आप नहा रहे हो, गॉड से वो वाइब्रेशंस आ रहे हैं और उसमें आप एंजॉय कर रहे हो। उस स्टेट में जो चाहिए उसके बारे में सोचो, आपको मिल जाएगा। आप ये करके देखिए और आपको कैसे एक्सपीरियंस आया वो भी देखिए। तब तक मैं इतना भी बोल रहा हूं, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो रियली अनकंडीशनल लव करो। ये एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मैं इससे प्यार करूंगी तो मुझे इतना पैसा मिलेगा या उससे कुछ ये मिलेगा या वो मिलेगा। प्यार करने में प्योरिटी रखो, कि मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं आपको एक मैसेज दे सकता हूं, लेकिन वैलेंटाइन डे आ रहा है, आप सोच लो कि किसी से प्यार कर रहे हो या जो रोज दे रहे हो, उस वक्त कोई मतलब का प्यार मत रखो। मैं रोज दे रहा हूं एक प्रतीक है प्यार का, वो प्योरिटी ऑफ लव उसमें दिखने दो। आपको अनकंडीशनल लव उसका मतलब आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन आप उस व्यक्ति के लिए जान निछावर कर सकते हो, आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि वो वाइब्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ के लिए, दूसरे के लिए और अपने जीवन के लिए, याद रखो। और सबसे बेहतरीन तरीका है यूनिवर्स से हेल्प करने का कि पूरी दुनिया से प्यार करो, उनको अच्छे वाइब्रेशंस दे दो। ये सोच लो कि हर एक आदमी जो मेरे सामने है, हर एक व्यक्ति है, उसका अच्छा ही होने वाला है, बस इतना प्यार दे दो, यूनिवर्स आपको हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएगी। इतना याद रखो।